हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राज, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैलेंट्स के बारे में, यानी कि क्षमता के बारे में, एक स्पेशल क्वालिटीज के बारे में जो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होती है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो। टैलेंट्स यानी कि क्षमता, गुण, एक स्पेशल क्वालिटी जो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होती है। किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, तो किसी के अंदर राइटिंग का टैलेंट है, तो किसी के अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, तो किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट है। यानी कि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, और हर एक इंसान को अपने टैलेंट के हिसाब से, उसको अपने गुण के हिसाब से ही कोई काम करनी चाहिए। इसको और भी अच्छा तरीका से मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में था, यानी कि वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग करता था, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। किसी भी चीज़ का पिक्चर, किसी भी चीज़ का फोटो वो हूबहू, यानी कि टू कॉपी बना देता था। उसके बारे में सारे लोग जानते थे कि ये लड़का बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाता है, बहुत अच्छा पिक्चर बनाता है। वो किसी भी आदमी को देखकर सेम टू सेम वैसा ही उसका फोटो बना देता था। एक दिन की बात है, मुझे कहीं से पता चला कि वो पेंटिंग छोड़ दिया, यानी कि अब वो पेंटिंग नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको ये बोला कि तुम पेंटिंग छोड़ दो, पेंटिंग में कुछ नहीं रखा है, इंजीनियरिंग करो, कोई और चीज़ करो। तो वो लड़का इंजीनियरिंग करने लगा, उसने पेंटिंग छोड़ दी। अब इसको समझिए, जो लड़का इतना अच्छा पेंटिंग बनाता हो, जो लड़का किसी भी चीज़ को एक बार देख के उसको टू कॉपी उसका फिगर बना दे, हालांकि वो लड़का अगर पेंटिंग ही करता, अपना फ्यूचर, अपना करियर पेंटिंग में ही बनाता, तो हो सकता था वो एक दिन बहुत बड़ा पेंटर बन जाता, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि वो लड़का अपना यूनिक टैलेंट, अपना यूनिक पोटेंशियल को छोड़कर कोई दूसरा चीज़ करने लगा। अब ऐसे सिचुएशन में उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा लड़का था जो गेम में, स्पोर्ट में बहुत अच्छा था, यानी कि खेल कूद में बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हर एक खेल कूद के प्रतियोगिता में, हर एक स्पोर्ट में फर्स्ट आता था। लेकिन उसने भी कुछ दिन बाद अपने स्पोर्ट वाले करियर को छोड़ दिया और कुछ दूसरा चीज़ करने लगा। यानी कि यहाँ पे भी उसके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के, फ्यूचर में कुछ बड़ा करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, वो जो चीज़ बहुत अच्छा तरीका से कर लेता है, उसी को छोड़ के कोई और चीज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में बहुत बड़ा या कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आप वही काम करो जिस काम को आप सबसे अच्छे तरीका से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर एक फ्रेंड्स, हर एक सोशल नेटवर्किंग पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर हिट करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।